पुलिस ने 6 बदमाशों के डकैती के सामान सहित गिरफ्तार किया। दरअसल एसपी विपिन तांडा के निर्देश में डकैती के खुलासे के लिए टीम गठित की गई, जिसमें क्राइम ब्रांच और तांडा पुलिस शामिल की गई। इसी दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लालपुर सैद नगर मार्ग पर निर्माणाधीन स्कूल पर छापा मारा, जहाँ से पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वही पुलिस के जानकारी के मुताबिक इनमें से 3 हिस्ट्री सीटेड बदमाश है। तीनों पर दर्जन से अधिक लूट और चोरी आदि के मुकदमे दर्ज हैं। इसी दौरान पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 4 चाकू, 4 कारतूस, सोने की ज्वेलरी, 4 चांदी के सिक्के सहित 9,000 रुपए बरामद किए। पेश है रामपुर के संवाददाता असीम अजीज की खास रिपोर्ट। टांडा के छेद्रनगर चौकी क्षेत्र में एक लूट हुई थी, जिसमे की रात्रि 3 बजे घर वालों को कमरे में बंद करके लूट की गई थी 6 लोग अभियुक्तों द्वारा। ये हमारे जो स्वाट टीम है और थाने की जो टीम है टांडा की, उन्होंने यह कार्य किया है, जिसमें कि ये गिरफ्तार हुए हैं मुखबिरी के आधार पर। इसमें 6 अभियुक्त हैं, जो कि मुड़ा पांडे और थाना मिलक जनपद रामपुर के रहने वाले हैं। जो 6 अभियुक्त में से 3 अभियुक्त हैं नईम, नासिर और जाबिर, ये तीनों हिस्ट्री शीटर हैं। तीनों के ऊपर लगभग 15 से 20 मुकदमे हैं। पहले भी ये युवक जेल जा चुके हैं लूट व डकैती की घटनाओं में, और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम को मेरी तरफ से 10,000 रुपये नकद का पुरस्कार है। इन्होंने जो लूट में गई वस्तुएं थी वो 100% बरामद की हुई है इसमें।